नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आप लोगों का स्वागत है अमूल होममेड रेसिपीज में वंस अगेन। और मेरा चौथा शो है ये, और बस आज आपके लिए मैं बनाऊंगा थाई ग्रीन करीज एंड थाई रेड करी। एंड बड़ी ही सिंपल एंड बहुत बढ़िया करी है। आपने यूजली आप लोगों ने इसको रेस्टोरेंट में ट्राई किया होगा या बाहर देखा होगा, और ट्रस्ट मी, मैं बहुत ही इसको बहुत सिंपल वे से बना रहा हूँ ताकि आप आराम से ईजिली घर में घर के इंग्रीडियंट से बना सकते हैं। तो एक बार ज़रा आप दिखा दीजिएगा, ये जो इंग्रीडियंट्स मैंने जो करे हैं वो एक बार दिखा दीजिएगा। ये कुछ वेजिटेबल्स मैंने करी हुई हैं, वेजिटेबल्स कॉलीफ्लावर, गोभी है, गाजर, बेबी कॉर्न, ब्रोकली, ग्रीन कैप्सिकम, बीन्स, मशरूम्स, पॉटेड चीज़, उसके अलावा चॉप गार्लिक है। और ये जो है ये बेसिकली इससे गलांगल, ये गलांगल हम यूज़ करते हैं थाई के अंदर, इस बेसिकली इसे थाई जिंजर। तो ये सॉर्ट ऑफ जिंजर ही है, बट ये थाई जिंजर है। ग्रीन चिली, काफिर लाइम लीव्स, फ्रेश बेसिल लीव्स, और इसके लिए मैंने थाई करी पेस्ट यूज़ कर रहा हूँ थाई करी बनाने के लिए। और उसके अलावा आप ये रही, ये ब्लैक पेपर पाउडर, ये एरोमेट सीजनिंग यूज़ कर रहा हूँ मैं। यूजली हम लोग चाइनीज़ में यूज़ करते हैं, हम लोग क्या कहते हैं उसको, तो ये चाइनीज़ के लिए है। सॉल्ट हो गया, दिस इज़ रेड चिली पेस्ट, ये भी मैंने होममेड ही बनाई है। सिंपली इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल जो सूखी लाल मिर्च है उससे पीस के बनाया गया है उसको। एंड इसकी रेसिपी भी आपको मैं बता दूंगा। अगर आप, ये बेसिकली वेरी यूजफुल इन चाइनीज़ कुजीन, चिली फ्लेक्स, और ये कोकोनट मिल्क है। ये आपको इजीली बाज़ार में अवेलेबल हो जाएगा, पाउडर फॉर्म में भी मिल जाएगा आपको। उसको आप उसमें मेंशन होगा कि उसको कैसे लिक्विड बनाना है। और ये नॉर्मल अमूल की क्रीम है जो मैं यूज़ करूँगा। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है प्लीज़? अगर आ रही है तो यस बोलिए। आई एम ऑडिबल एवरीवन, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? सो कैन वी स्टार्ट? यस। हाँ जी। सो पहले हम लोग बनाएंगे ग्रीन करी। ये ग्रीन करी देख लीजिए आप, लाइक दिस।
इसमें एक पाउच है दिल सफिशिएंट फॉर 50 ग्राम का ये पैकेट है और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है बट इजीली यू कैन यूज़ फॉर अ वन मील। ये आराम से चार लोगों के लिए इनफ है। पैन गर्म हो गया है, मैं इसमें तेल डाल लेता हूँ। ऑयल गरम हो गया है, अलाइट सम इसमें थोड़ा सा मैं अलाइट सम चॉप गार्लिक आज जो लोगों ने अभी ज्वाइन किया है मैं बता दूं कि मैं आज रेड थाई करी और ग्रीन थाई करी बना रहा हूँ। अलाइट सम गलांगल बिट ऑफ चॉप ग्रीन चिली थोड़ा सा चिली फ्लेक्स आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है अगर प्लीज आवाज आ रही है तो यस बोलिएगा। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज यस बोलिएगा यस। ये जो वेजिटेबल्स मैं इसमें ऐड कर रहा हूं वो वेजिटेबल्स मैंने ब्लांच कर रखे हैं, मैंने बॉईल कर रखे हैं वेजिटेबल्स। मशरूम से मैंने ब्लांच कर रखे हैं। सो बेबी कॉर्न बीन्स ये सब मैंने ब्लांच कर रखे हैं। सो इसको ग्रेवी जिस टाइम मैं बनाऊंगा तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी इसको कुक करने की बिकॉज ये ऑलरेडी कुक्ड। सो जस्ट हैंडफुल ऑफ वेजिटेबल्स Now I add my green chili, green curry. I add a bit of water. हल्का सा पानी डालूंगा ताकि ये जो करी है इसमें डिजॉल्व हो जाए। थोड़ा सा इसको हिलाना पड़ेगा। अगर हम ग्रीन करी बना रहे हैं सो थोड़ा सा कलर देने के लिए मैंने ये पालक की प्यूरी मैंने ब्लांच कर रखी है। आप देख रहे हैं
आई ऐड द पालक की प्यूरी बिकॉज ये पालक की जो प्यूरी है ये इसको प्रॉपर कलर देगा, इसको ग्रीन कलर देगा एक, क्योंकि उस ग्रीन कलर से, उस ग्रीन करी थाई करी करी से हमें वो ग्रीन कलर जो नहीं मिल पाएगा, जो हमें ग्रीन कलर जो होना चाहिए। आई ऐड सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, और ये है अरोमेट सीजनिंग। यूजली हम लोग चाइनीज में यूज करते हैं एमएसजी, वो लोग वो इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो ये एरोमेट पाउडर जो है ये आपको इजली बाजार में मिल जाएगा। सो नाउ आई ऐड द कोकोनट मिल्क इन इट, सी इट, देखिए कैसे ये Chef, is the palak raw or blanched? Yes, palak is blanched, boiled and blanched. And is also going to be puree. And chef, with green paste you added? It's a green thai curry paste. It is. अब मैं इसमें एक चम्मच या दो चम्मच मैं इसमें अमूल क्रीम भी डालूंगा ताकि मेरी जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो सिल्की हो और इट शुड बी क्रीमी एज़ वेल, क्रीमी दिखे। थोड़ा सा मैं गैस का टेम्परेचर हल्का सा बढ़ा दूंगा। आई विल ऐड बिट ऑफ विनेगर एज़ वेल, थोड़ा सा पानी डालूंगा इसमें मैं। सीधा कलर, अगर आप कलर देख रहे होंगे, सो मेरे वो स्पिनिच की जो पेस्ट डालने से इसका कलर भी थोड़ा ज़्यादा ग्रीन हो गया है, अदरवाइज उस अगर मैं ग्रीन थाई करी पेस्ट यूज करता तो उसमें कलर इतना ज़्यादा कलर नहीं आ सकता था। प्लीज इधर लाएंगे कैमरा। सो नाउ आई ऐड द, हैव यू सीन दिस, इज दिस इज काफिर लाइम लीव्स, या सिंपली मैं कहता हूँ मैं आपको ये नींबू की पत्तियाँ जो हैं ये काफ़ी लग, आपको बाजार में मिल सकती हैं, वैसे भी घर में भी मिल सकती हैं, उसको मैंने क्रश कर दिया अच्छे से, एंड आई जस्ट स्टॉप इट ऑल्सो एज वेल, तो इसमें आई गेट द गुड फ्लेवर इन माई करी। थोड़ा सा पानी और लगेगा हल्का सा, बिकॉज हमने इसको चावल के साथ खाना है तो थोड़ा सा वॉटरी हल्का सा चाहिए होगा। ये एक इसको हल्का सा बॉयल दे देते हैं, बॉयल दे देते हैं इसको एक, एंड जो फाइनली इसके अंदर विल ऐड द बेसिल। विल ऐड द बेसिल लीव्स, बेसिल के पत्ते विल ऐड इट। आप देख सकते हैं इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है एंड माय ग्रेवी इज गोना बी ऑलमोस्ट रेडी। थोड़ा सा हल्की सी ग्रेवी पक जाए उसको मैं निकाल लूँगा, क्योंकि मैं इसमें क्रीम डाल चुका हूँ, मैं ज़्यादा पकाऊंगा नहीं इसको। बट लुक एट द कंसिस्टेंसी, नॉट वेरी थिक एंड नॉट थिन, इजिली टू ईट विद राइस। मैं आपको बताना फिर दोबारा चाहूँगा एक बार, जो वेजिटेबल्स मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ, वेजिटेबल्स मैंने सारे के सारे वेजिटेबल्स मैंने ब्लांच कर रखे हैं, एक्सेप्ट जो है पेपर्स को छोड़ के, ग्रीन कैप्सिकम को छोड़ के मैंने सारे वेजिटेबल्स जो है मैंने वो ब्लांच कर रखे हैं। सो माई करी इज रेडी।
इसको हम सिंपली इसको निकाल लेते हैं बाउल में। बहुत ही इजी मेथड है इसका बनाने का जो मैंने आपको बताया है। ये हमारी ग्रीन थाई करी रेडी है। शेफ, विल द रेसिपी बी अवेलेबल ऑन योर फेसबुक पेज? डेफिनेटली मैं आई विल शेयर विद द रेसिपी एज वेल। मैं इसके बाद इसकी शेयर कर लूँगा आपसे। आपको मैं बता रहा हूँ, कुछ भी सवाल आपने पूछने हैं, रिक्की मल्होत्रा इज माई फेसबुक आईडी, तो आप मुझे वहाँ पे हैशटैग करके मुझसे कुछ पूछना है, जो भी आपको रेसिपी के लिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मेरी थाई करी, ग्रीन थाई करी इज रेडी, रेडी टू गो। एंड आई जस्ट मेक, अब मैं बनाने वाला हूँ रेड थाई करी। और यूजली अगर आप, बिकॉज ग्रीन थाई करी नाम ग्रीन आ जाता है, तो एक ये आ जाता है कि ग्रीन थाई करी इज गोज विद वेज एंड रेड थाई करी गोज विद नॉन वेज। तो अगर जो लोग नॉन वेज प्रेफर करते हैं, मैं बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप जो रेड थाई करी है, यू बेस्ट कुक विद फिश, प्रॉन्स, चिकन, रेड थाई करी, सो वो सही रहेगा। अदरवाइज यू कैन कुक। सो नाउ विल मेक द रेड थाई करी। दिस रेड थाई करी, आई विल मेक इट नाउ। अगेन विल ऐड सम ऑयल इन इट, इन माय pan. क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज़ यस बोलिए, कुछ सिग्नल्स की प्रॉब्लम हो गई थी। कैन यू हियर मी गाइस? आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस शेफ। ओके, आई एम नाउ मेकिंग द रेड थाई करी। Let the garlic. I'll add the थोड़ा सा इसको गार्लिक पका लेते हैं, add bit galangal also.
स्ट्रॉबेरी चिली, लॉट ऑफ चिली फ्लेक्स, ये रेड चिली पेस्ट आई यूज इट इन दिस रेड चिली सॉस। थोड़ा सा बेबी कॉर्न, द ब्रोकली, बीन्स, मशरूम, एंड कैरेट्स। Then I add the red chili, red curry paste, red thai curry paste मैं use कर रहा हूँ, इसमें बना रहा हूँ, इसमें डाल रहा हूँ मैं। हल्का सा इसमें मैं ऐड सम वाटर ताकि मेरी जो जो मेरी पेस्ट है वो डिसॉल्व हो जाए। सी दिस, जो पेस्ट है वो डिसॉल्व हो रही है इसमें। थोड़ा सा फ्लेम बढ़ाता हूँ मैं गैस का। सॉल्ट, एरोमेटिक सीजनिंग, ब्लैक पेपर, नाउ वी ऐड द कोकोनट मिल्क इन इट। अच्छे से इसको मिला देंगे ताकि एक स्मूथ कंसिस्टेंसी बन जाए सॉस की। ऑल्सो द ऐड विद अमूल का फ्रेश क्रीम। उससे पहले आई ऐड सम पनीर इन इट, बिकॉज ये मलाई पनीर है तो मैंने पहले नहीं डाला इसमें, अदरवाइज वो टूट जाता। सो आई ऐड द पनीर इन दिस। Now add the cream as well, at least 2 tablespoons of this, a bit of vinegar. Chef, what is aromat seasoning? Aromat seasoning basically alternative है, हम लोग जो use करते हैं। अगर आपको याद हो, अगर Chinese cuisine के बारे में आप लोगों को पता होगा तो हम Chinese cuisine में अजीनोमोटो use करते हैं। Usually restaurant वगैरह में बाहर अजीनोमोटो use करते हैं। अजीनोमोटो is not good for your health, वो हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है। एंड उसके लिए उसी को अल्टरनेटिव है ये एरोमेट सीजनिंग, जो अभी मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा। हल्का सा पानी और ऐड करूंगा इसके अंदर मैं,
मैंने इसमें काफी लाइम लीव्स डाल दी हैं, यानी लेमन लीव जो है वो मैंने इसमें डाल दी हैं। लुकेट कंसिस्टेंसी देख रहे हैं आप, थोड़ा सा पकने दीजिए उसको हल्का सा। आप लोगों को रेसिपी कैसे लगी ये वाली जो मैंने बनाई है अभी, ये फ्राई करी रेसिपी बहुत सिंपल रेसिपी है जो ये जो रेसिपी है, और आप लोग इजीली बना सकते हैं इसको। कोई भी आपके सवाल जो आपने पूछने हो मेरे से रिलेटेड, यू कैन इजीली मैसेज मी, टैग मी, माय हैशटैग इन फेसबुक इज रिक्की मल्होत्रा। अगर आपके पास लेमन लीव नहीं है तो यू कैन यूज द बेसिल जो मैं डाला है उसमें, बेसिल लीव उसमें बना सकते हैं। और यू ऑल्सो क्या कहते हैं, अगर बेसिल भी है इजीली आपको नहीं मिलता तो यू कैन यूज तुलसी, हम लोग तुलसी भी यूज कर सकते हैं। मैंने अब अपनी गैस बंद कर दी है मेरी। लुक एट द सॉस, द कंसिस्टेंसी कितनी, नॉट वेरी थिक एंड नॉट वेरी थिन, यू कैन इजीली ईट इट विद राइस। शेफ एवरीवन इज रिस्पोंडिंग दैट द रेसिपी इज वेरी नाइस, थैंक यू। एंड ये भी रेडी है, मैं सर इसको निकाल लेता हूँ, मैं बाउल में निकाल लेता हूँ इसको। तो इसे इजीली वेटेड है, आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। थोड़ा सा मैं वेजिटेबल्स वाना भी शो ऑल्सो, मेरी ब्रोकली, बेबी कॉर्न, शेफ कैन यू शो द ब्रांड ऑफ थाई करी यू हैव यूज्ड, कैन यू शो द ब्रांड ऑफ थाई करी यू हैव यूज्ड। I will show you once. I will show you. Give me a minute. I will show you. ये मेरी थाई करी का बेसिल, आप लोग ब्रांड की पूछ रहे हैं तो ये इजीली आपको मिल जाएगा, सिंपली फॉर मेक इट फॉर 3 to 4 पीपल्स यू कैन इजीली ईट इससे, और नॉट वेरी एक्सपेंसिव। और अगर आपको वैसे नामची का अगर आप लेते हैं नामची के ब्रांड से, वो आपको इजीली आपको वो भी मार्केट में मिल जाएगा, बट वो छोटे हैं इसमें वो नहीं मिलेगा आपको। सो दिस इज माई थाई करी। एंड राइस जो है ये सिंपल राइस, स्टीम राइस जो है मैंने बना रखे हैं ऑलरेडी, सो यू कैन गो विद द स्टीम राइस एज वेल, सिंपल स्टीम राइस। सो इसके एकॉम्पलीमेंट्स जो है ये आप जैस्मिन राइस या लेमन राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या फ्राइड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बट मैंने सिंपली इसको सर्व कर रहा हूँ मैं इसमें स्टीम राइस के साथ। सो ये मेरी डिश तैयार है, थाई करी, स्टीम राइस एंड रेड एंड ग्रीन थाई करी। होप आप लोगों को ये करी पसंद आई होगी, आई एम श्योर इट्स वेरी टेस्टी। आप लोगों को कुछ भी आप लोगों को सवाल कुछ पूछने हैं तो यू कैन सिंपली हैशटैग मी और रिक्की मल्होत्रा
इज माई फेसबुक आई डी, और बाकी जो आप लोगों ने सवाल पूछे हैं मैं अभी शो के बाद उनका रिप्लाई करूंगा। एंड दिस इज माई फोर्थ शो एंड आई होप आप लोगों को मेरे साथ मेरा जो बनाया हुआ खाना आप लोगों ने जरूर ट्राई किया होगा। थैंक यू अमूल, थैंक यू गाइस, थैंक यू।